खबर का रुख कर रहे हैं, जहां विनेश फोगाट की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। तबियत नासाज होने पर विनेश फोगाट को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस समय की बड़ी खबर, आज सुबह ही थोड़ी देर बाद पहले ये खबर आई कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, और ऐसे में उनके सिल्वर मेडल को मिलने को लेकर भी ये जानकारी मिली कि सिल्वर मेडल भी अब उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन विनेश फोगाट फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई हो किया गया है। खबर सुनकर उनकी तबियत खराब हो गई और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अब विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी ओलंपिक में। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई है। अभी हाल ही में उन्होंने क्यूबा की एक खिलाड़ी को हराया। हालांकि उम्मीद थी कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, लेकिन अब वो फाइनल से बाहर हो चुकी हैं। महज 50 ग्राम ज्यादा आया है उनके मौजूदा वेट से। फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी ओवरवेट की वजह से। वो फाइनल्स नहीं खेल पाएंगी। 50 किलो कैटेगरी में उनका चयन हुआ और उन्होंने बहुत ही शानदार मुकाबला खेला बीते मैचेस में, लेकिन अब वो नहीं खेल पाएंगी, फाइनल्स नहीं खेल पाएंगी। 50 किलो वजन उनका, 50 ग्राम माफ कीजिएगा, वजन उनका मौजूदा वजन से ज्यादा आया और इस वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई हैं। हालांकि निराशा हाथ लगी है वेट की वजह से, लेकिन उनके बीते जो दो मैचेस हैं वो काफी शानदार रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में दो पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर स्वदेश लौट आई हैं। मनु का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मनु के माता पिता ने उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ है। मनु भाकर ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला और मिक्स्ड टीम इवेंट में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है। मनु भाकर ने शूटिंग में 12 साल बाद भारत को पदक दिलाया है। मनु से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार और पीवी सिंधु ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीत पाए हैं। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी। मनु भाकर रविवार को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस भी जाएंगी, लेकिन उसके पहले भारत लौटने की ये देखिए तस्वीर, जहां भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और ये खुशी का पल है, ये गौरवान्वित हो जाने वाला पल है जब हमारे भारत के खिलाड़ी जो हैं अन्य देशों में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, कई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। उनमें से एक नाम मनु भाकर का भी, जो पहुंची दिल्ली तो उनके माता पिता उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे और जैसे कि भावनाओं में बहते हुए भी कई नजर आए। परिवार के लोग, माता पिता और साथ ही उनके गुरु, उनके कोच भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया।